पूरा विश्व कोरोना कोरोना नाम की वैश्विक महामारी से पीड़ित है। पूरे विश्व में इसका असर देखने को मिल रहा है। यह एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही तेजी गति से फैल रही है तथा यह संक्रमण की बीमारी है जो बहुत ही तेज गति से फैल रही है। भारत के साथ साथ बहुत से ऐसे देशों में इस बीमारी का बहुत ही खतरनाक प्रकोप चल रहा है। अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, इटली, यहां तक कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी इस महामारी का प्रभाव और इसका असर हमको देखने को मिल रहा है। इस कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण बहुत सी अभी तक जाने जा चुकी हैं, जिसके आंकड़े दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। एक ऐसी महामारी जो पूरे विश्व पर एक ऐसा संकट आया है और इस संकट से हमें उभरना है। इस ऐसी बीमारी और इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। इसका एकमात्र केवल एक ही इलाज है कि यह संक्रमण से फैलती है, इसलिए हमें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए तथा घर में ही बैठकर समय को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी बहुत ही तेजी से फैल रही है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्यादा फैल रही है। इसलिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इस अपील का अक्षरशः पालन करें, बिना किसी कारण से सड़कों पर न निकले तथा पूर्णतः इस लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो एक चेन के रूप में आगे फैल रही है और हमें इस बीमारी से बचना है, हमारे देश को सुरक्षित करना है, हमारे परिवार को सुरक्षित करना है, तो इस कोरोना की चेन को तोड़ना पड़ेगा। इस चेन को तोड़ने के लिए ही हमें 21 दिन का लॉकडाउन किया रखा गया है पूरे देश में, तो हमें इसका अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर भी इसके आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों से लगाकर राजस्थान तक भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए बेहद ही जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पे न निकले तथा घर के परिवार के सदस्यों के साथ अपना समय व्यतीत करें। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका निदान, जिसका इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। इसलिए नवरात्रि का पावन और पवित्र त्योहार अभी है और हम सभी मिलकर माँ की आराधना करें, माँ की साधना करें तथा माँ से ये प्रार्थना करें कि इस ऐसी महामारी, वैश्विक महामारी से जल्द हमारे देश को तथा विश्व को निजात मिले। और एक ऐसा प्रसंग भी मिलता है, कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लग गई थी। पूरा ऑस्ट्रेलिया का प्रशासन उस आग को बुझाने के अंदर लग गया, लेकिन भयंकर आग के लपटे ने पूरे ऑस्ट्रेलिया के जंगल को तहस नहस कर दिया और लगभग 6 करोड़ जानवर वहां पर मारे गए। और वहां के लोगों ने तथा वहां की सरकार ने बहुत प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। लेकिन जब वे थक हार कर भगवान को याद किया उन्होंने और ईश्वर की शरण में गए, तो कुछ समय पश्चात वहां पर बारिश हुई और वह जंगल की आग बुझ गई। और अभी हम देखेंगे कि नेट पे देखते हैं कि हम कुछ समय बाद वह जंगल पुनश्च वापिस, उसमें जो भी पेड़ जल गए थे वो अंकुरित हो रहे हैं। इसी प्रकार आज ऐसा महान संकट हमारे देश पर आया है। हम सभी ईश्वर की साधना करें, ईश्वर की शरण में जाएं तथा ईश्वर से हाथ जोड़कर ये विनती करें कि ऐसे समय में वही हमें बचाए। एक ऐसा ही प्रसंग मिलता है महाभारत के समय का, कि जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम सीमा पर होता है और अपने अंतिम चरण पर होता है, जब कौरवों का विनाश हो चुका होता है और कौरवों का मात्र केवल एक योद्धा ही बचता है जिसका नाम होता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अंतिम समय में द्वेष और के कारण एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग करता है जो अस्त्र का प्रयोग बहुत ही कम योद्धा जानते हैं, और उस अस्त्र का केवल एक ही दुष्प्रभाव होता है कि पूरा विश्व, पूरा समस्त चराचर नष्ट हो जाता है। तो अश्वत्थामा द्वारा नारायण अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। नारायण अस्त्र इतना भयंकर होता है कि वो समस्त धरती को जला देता है। तब भगवान कृष्ण के अनुरोध पर सभी महान योद्धा, समस्त पांडवों और जितनी भी सेनाएं वहां पर होती है, वो उस नारायण अस्त्र के प्रभाव को कम करने के लिए अपने अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर रखकर और मन में युद्ध का विचार लाए बिना ही उससे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और धीरे धीरे वो नारायण अस्त्र का प्रभाव कम होता है। तो आज भी यही एक ऐसा समय आ चुका है कि कोरोना से हम लड़ नहीं सकते, लेकिन हम भगवान की प्रार्थना करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। यह पहला एक ऐसा मौका है कि घर में रहकर ही देश के लिए हमारा कर्तव्य करने का हमें ऐसा मौका मिला है। कृपया करके इस ऐसे मौके को जाने न दें और घर में रहकर ही देश की
देश को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, क्योंकि एक ऐसा चीज है कि खुद भी सुरक्षित रहेंगे, परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे तथा देश को भी सुरक्षित रखने का हमें यह मौका मिल रहा है। क्योंकि कोई भी मानव जनित समस्या मानव के सामर्थ्य से परे नहीं हो सकती है। इसलिए संयम रखें, धैर्य रखें तथा आत्मविश्वास बनाए रखें और भारत सरकार के सभी दिशा निर्देश का पूर्णतः पालन करें। और विशेष बात है कि जो भी कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर इस ऐसी महामारी से हमें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन हो, अस्पताल प्रशासन हो, बैंकिंग प्रशासन हो, उन सभी का हमें हौसला बढ़ाना चाहिए तथा उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि वे अपनी जान की परवाह किए बिना ही हमारी सुरक्षा के लिए आगे आ रहे हैं तथा हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए जो इस समय ऐसी महान बीमारी के सामने अपना कंधे से कंधा लगाकर लड़ रहे हैं। और उनके लिए भी हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए जो इस कोरोना संक्रमण के रिपोर्ट में पॉजिटिव बता रहे हैं, उनके लिए भी हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे जल्द से जल्द सही हो जाएं। और एक बार पुनश्च मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि झूठी अफवाहों पर ना आए, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर, व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर ऐसी किसी भी अफवाहों को ना माने, ना ही उनको फैलाएं, क्योंकि हमें जागरूक बनना चाहिए तथा किसी भी आई हुई सूचना पर, किसी भी मैसेज पर हमें सोचना चाहिए तथा उसका पूर्णतः ऐसा देखना चाहिए कि क्या वह सच है क्या झूठी है। इसलिए कृपया करके झूठी अफवाहों को न फैलाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रहें। और एक विशेष बात, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं, छींक आने पर तथा पब्लिक पैलेस में न जाएं तथा रूमाल और मास्क का प्रयोग करें। एक बार पुनश्च आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इस कोरोना महामारी जैसी वैश्विक संक्रमण वाली बीमारी से पूरा देश लड़ रहा है, आइए हम भी हमारे से जो बनता है वो करें तथा आसपास में जो व्यक्ति गरीब हैं, जो भूखे हैं, उनको भोजन करने का प्रयास करवाएं, उनको भोजन करवाएं तथा छोटी छोटी सावधानी बरते हैं। आज पूरा देश इस वैश्विक महामारी के लिए एकजुट हो चुका है। आज हमें हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज निभाने का मौका मिला है। इसे नहीं जाने दें और देश की सुरक्षा करें, सुरक्षित रहें तथा सभी का सम्मान करें। जो भी कर्मचारी इसके अंदर अपनी मुहिम चला रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस देश के ऐसे नाजुक स्थिति में आप सभी अपना संयम, अपना धैर्य, अपना आत्मविश्वास बनाए रखे हैं। बहुत बहुत नमस्कार।